क्या पिछले 5 साल में आपने वो परिवर्तन देखा है कि नहीं देखा है जो 25-30 साल समाज का वोट शायद पिछली बार 3-4-5 हजार मिला होगा। आज उस वोट बैंक में उस समाज में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं किसे वोट देना होता है शशि जैन जी को। हम हर कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर नागरिक तक हर सुविधा सड़क की निकासी की सौंदर्यकरण की कूड़ा निस्तारण की जो भी पालिका संबंधित सेवाएं हैं इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो सत्ता में रहता आदमी रहता है जिसकी पार्टी की सरकार होती है वो पहुंचाता है। बहुत सारे ऐसे जो हमें थाने में देखने होते हैं तहसील में देखने होते हैं बिजली विभाग में देखने होते हैं वो भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने करा है। किसी को आप जो है प्रचार प्रसार में करवाए तो सर क्या लग रहा है सभी जो है वर्गों से आपको पिछली बार भी वोट मिला था समर्थन मिला था क्या इस बार भी वही जो है जोरों शोर से जो है मुस्लिम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सर प्रथम यहाँ पर इस बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं माहौल इस बहुत खूबसूरत सभा का नुक्कड़ सभा का आयोजन करने के लिए वकार भाई को बाबू भाई को हमारे बड़े सदर साहब खालिद भाई को और दीपक भाई को राजू भाई को साबिर भाई को हमारे बड़े मौजूद हैं आदर्श हरी बाबू धर्मिंदर जी प्रोफेसर साहब हमारे भाई चंद्रगुप्त मौर्य जी सुमित वाल्मीकि जी पहलवान साहब और सभी लोग सूफी जी जयपाल जी ये तो मेरे बहुत बहुत पुराने संबंधी हैं। अच्छा आप देख सकते हैं माहौल को मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर प्रथम पिछले 5 साल का कार्यकाल ये सब लोग गवाह हैं ये हाथ उठा के बताएंगे कि क्या पिछले 5 साल में आपने वो परिवर्तन देखा है कि नहीं देखा है जो 25-30 साल में ऐसे कौन से काम आप लग रहे हैं वो जो रह गए हैं अभी आगे भविष्य के लिए। हम जब पिछले 5 साल पहले हमने वोट मांगा था हमारे पिताजी सभी जानते हैं अतुल कुमार जैन समाज के हर वर्ग का व्यक्ति जाति धर्म से ऊपर उठकर उनसे जुड़ा हुआ हमारे परिवार का संघर्ष पिछले 30 साल का है। पिछले चुनाव में भी हर वर्ग के व्यक्ति ने हमें वोट दिया था इसलिए हमने यहाँ बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ सीट जीती थी। अमरोहा का क्या काम और रह गया है जो बाद में रह गया है? पिछली बार भी हर उस वर्ग का वोट जो पारंपरिक वोट बैंक नहीं है पार्टी का वहां से हमें वोट मिला था। पिछले 5 साल में हमने उस पर न्याय करा सब गवाही दी न्याय करा हर व्यक्ति का काम करा हर बिना जाति धर्म के भेदभाव के समरसता की नीति सबका काम करा। और आप जो पूछ रहे थे अल्पसंख्यक समाज का वोट शायद पिछली बार 3-4-5 हजार मिला होगा आज उस वोट बैंक में उस समाज में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं बात करेंगे कितना जो है प्रचार आपका जो है नगर लगातार सब जगह प्रचार चल रहा है शहर की आवाज है वही हमारे नए क्षेत्रों में जाती है क्योंकि शहर से एक ही आवाज निकल रही है। किसी से भी आप पूछिए किसे वोट देना हो कहेगा शशि जैन जी को वोट देना। सर आपका दावा है कि शहर अमरोहा में बहुत ही काम हुआ है अभी देहात के क्षेत्र जुड़े हैं क्या उनमें भी वैसे ही काम हुआ? बिल्कुल हमने पिछले 5 साल में जो भी काम कराया अब मैं यहाँ खड़ा हूँ मैं अपने काम की मुझे गवाही नहीं देनी मैं जहाँ जाता हूँ मैं शांत बैठता हूँ लोग मेरे काम की गवाही देते हैं और हमें 3.5 साल का ही समय मिला 1.5 साल कोविड में निकल गया लेकिन फिर भी हमने कीर्तिमान साबित करा। मैं फिर पब्लिक को आश्वस्त करता हूँ पब्लिक हमारे साथ है और हम जो भी कार्य रह जाते हैं लेकिन हम हर कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर नागरिक तक हर सुविधा सड़क की निकासी की सौंदर्यकरण की कूड़ा निस्तारण की जो भी पालिका संबंधित सेवाएं हैं इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो सत्ता में जो आदमी रहता है जिसकी पार्टी की सरकार होती है वो पहुंचाता है लोगों तक। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें थाने में देखने होते हैं तहसील में देखने होते हैं बिजली विभाग में देखने होते हैं वो भी हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने करा है इसीलिए ये लोग आज हमारे साथ। अहमदनगर में क्या प्रोग्राम था आपका जनसंपर्क सभा के लिए क्या प्रोग्राम था? आज लोगों ने समर्थन देने के लिए सभी मेरे बड़े बैठे हैं बड़े खड़े हैं बड़े हैं कुछ मेरे हम उम्र हैं कुछ मेरे छोटी उम्र के हैं सभी ने हर
जाति धर्म से ऊपर उठकर हर समाज के व्यक्ति ने अपना समर्थन देने के लिए यहाँ बुलाया है। और मैं सबको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि आप 4 तारीख में कमल के फूल पे मोहर लगाकर हमें जिताएं। शिक्षित व्यक्ति है और नौजवान है, थोड़ा इनकी भी राय हम जान लेंगे। आपके मोहल्ले के मुद्दे क्या रहेंगे, किन पे काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। और सभी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, जितने भी इन्होंने भी आयोजन किया है उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वार्ड के विकास के लिए, मेरा कोई राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्यों आया हूँ इसके लिए, मेरे साथ एक किस्सा हुआ जो मुझे राजनीति में आना पड़ा। मैं इस अपने वार्ड की गली गली घूमा हुआ हूँ और मैं वार्ड के अपने सभी लोगों से परिचित हूँ। मैंने बेसिक चीज़ें देखी यहाँ पर, जब मैं घूमता हूँ वार्ड में, मैंने देखा कि सड़कें तो वैसे बन चुकी हैं, गली गली बन चुकी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, किसी के राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किसी को और तरह की दिक्कतें हैं, मैं ये दिक्कतें दूर करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए 24 घंटे दिन रात एक करके 24 घंटे में कभी भी आप कॉल करो आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैं आपका सभासद नहीं, आपका बेटा बनके काम करूंगा, आपका भाई बनके काम करूंगा, आपका दोस्त बनके काम करूंगा। आप ये जिताने का काम कीजिए, मैं इस वार्ड के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो कि अपने विचार रखे हैं, काफी युवा जोश है यहाँ के समर्थन में है कुछ लोग, थोड़ा सा उनकी बात कैसा चल रहा है चुनाव? भैया मैं राजनीति में तो हूँ नहीं, ना राजनीति जानता ना राजनीति खेलता, लेकिन मेरा नितिन भैया से मेरे 3 काम पड़े मोहल्ला अहमदनगर से। एक मेरा वाल्मीकि समाज से झगड़ा हुआ था, वाल्मीकि समाज को भी समझाया और हमें भी समझाया, काम हुआ है, काम सारा काम, दोनों पार्टी को समझा के और दोनों पार्टी को समझा के मेरे घर के जितने नाम थे सब खत्म करा दिए, उनसे मेल जोल मेरे गले मिलवा के मेरा भाई बंदी करा दिया। मदीना मस्जिद के सामने 2 गलियां थी, हम लोग यहाँ से कदम 25-30 जगह गए, एक ही बार बोला हमने, दूसरे दिन सामान आ गया, तीसरे दिन सड़क बननी चालू। तो सभी वर्गों की सपोर्ट जो है इन्होंने किए, सबका साथ सबका विकास ग्राउंड तौर पर दिखता है। हमारे साथ ये जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष उनके साहबजादे सबका साथ सबका विकास की बात करी, और ये अहमदनगर में अपने प्रचार प्रसार के लिए उन लोगों ने इनको जो है आमंत्रण किया। तो आप देख रहे थे,